ज्ञानोदय बाय सुनील कुमार पुमार। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। फ्रेंड, आज है 22 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम टोक्यो ओलंपिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल ज्ञानोदय को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थॉट ऑफ द डे, आज के सुविचार क्या है। जिंदगी में हमेशा याद रखना कि निंदा से घबरा कर कभी भी अपने लक्ष्य को मत बदलना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपना लक्ष्य मिल जाएगा, उस दिन आपकी निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। दोस्तों, इस समाज में बुराइयां और निंदा करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, आपको आपके टारगेट से विचलित करने के लिए बहुत सारे मिलेंगे। जब भी आप अपना टारगेट बनाएंगे और किसी दर से राय लेंगे कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं, तो बस वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे। इसलिए दोस्तों, किसी के भी निंदा और ताना करने की बातों को साइड रख के आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए स्काई ब्राउन, ऑप्शन बी मार्गरी हिंडन, ऑप्शन सी है हैंड जाजा और ऑप्शन डी है सिसिलिया। तो इन चारों ओलंपियन में से कौन है जो कि सबसे कम उम्र की ओलंपियन है टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैंड जाजा। अब देखिए, हैंड जाजा ये कहाँ की हैं? ये सीरिया की हैं, सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। कितने साल की हैं ये 12 साल की हैं, 12 साल की। देखिए, पिछले साल ये 11 साल की उम्र में, 11 साल में 42 साल की मरियाना टेबल टेनिस खिलाड़ी को पराजित किया। तो 11 साल की उम्र में पिछली साल यानी 2020 में इन्होंने 42 साल की मरियाना को पराजित करके टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाया था, यानी कि अपने से 31 साल बड़ी उम्र की। और देखिए, ये सीरिया की पहली महिला है, सीरिया की ये सबसे कम उम्र की पहली महिला है। और देखिए, सीरिया से छः खिलाड़ी भाग ले रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में, उनमें से ये जो है हैंड जाजा एकमात्र महिला खिलाड़ी है जो कि टोक्यो में भाग ले रही है। तो फ्रेंड, ये है यंगेस्ट टोक्यो ओलंपियन 2021। और देखिए, सीरिया पहली बार ओलंपिक में 1948 में भाग लिया था, 1948 में भाग लिया था, लेकिन अब तक कोई भी पदक नहीं जीत पाया है। और देखिए, इसके और ऑप्शन देख लेते हैं। स्काई ब्राउन ये कौन है? ये ब्रिटिश की सबसे युवा ओलंपियन है। इनकी उम्र कितना है? 13 साल 11 दिन, यानी कि कल ये 23 जुलाई को 13 साल 11 दिन के हो जाएंगी। ये कौन है? ये स्केटबोर्डिंग खेल से संबंधित हैं। और देखिए, ये पिछले 92 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था। अभी कितने साल के? 92 साल के, यानी कि 1928 में ये मार्गरी हिंडन सबसे युवा खिलाड़ी बनी थी। जिस समय ये ओलंपिक में भाग लिए थे, ये 13 साल 42 दिन की थी और ये कितने साल की थी? 13 साल 11 दिन की, यानी कि 31 दिन कम उम्र की थी ये। लेकिन अब यह रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? हैंड जाजा ने। और देखिए, ये सिसिलिया कौन है? ये भी ब्रिटिश ओलंपियन है, लेकिन ये 1932 में
1932 में ये विंटर ओलंपिक में सबसे कम उम्र की 11 साल की थी, ये 11 साल की थी। और देखिए मार्गे हिंडन, ये कब 1928 में एम्स्टर्डम में भाग लिया था, एम्स्टर्डम। और देखिए फ्रेंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हुसैन अर्नस हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हैं, प्रेसिडेंट यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं, बशर अल असद, ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहली बार समर ओलंपिक में एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में कब भाग लिया था। ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1952, ऑप्शन बी 21 जुलाई 1952, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1952 और ऑप्शन सी है 23 जुलाई 1952। तो कब ये एक स्वतंत्र रूप यानी कि स्वतंत्रता जब मिली है 1947 में, उसके बाद ये पहली बार कब एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में भाग लिया था ओलंपिक में। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 जुलाई 1952 को, यानी आज 22 जुलाई है और कल के दिन 21 जुलाई को इन्होंने पहली बार कहा, हेलन सिकी ओलंपिक में भाग लिए थे, फिनलैंड में भाग लिए थे। कब 21 जुलाई 1952 को, यानी कि इस बार इसका 69वां साल गिरा है, जो 2021 में क्या है 69वां साल गिरा, 69वां साल गिरा है। और देखिए उस समय जब हेलन सिकी में ये भाग लिए थे तो कुल 64 प्लेयर भाग लिए थे, 64 खिलाड़ी, जिसमें 60 खिलाड़ी पुरुष थे और चार महिला खिलाड़ी थी, और देखिए इसमें कुल 11 स्पोर्ट यानी कि 11 खेल शामिल हुआ था, 11 खेलों में 42 इवेंट्स हुए थे, 42 इवेंट्स हुए थे। और देखिए इसमें जो चार महिला ये दो खेलों में पांच इवेंट्स में कंपटीशन किए थे। और देखिए इन चार महिलाओं में कौन थी, चार महिलाओं में देखिए थे नीलिमा घोष और डिसूजा, आरती साहा और एक खिलाड़ी थी डॉली नजीर, इनका पूरा नाम मैरी डिसूजा। ये सबसे कम उम्र की थी, 17 साल की ओलंपियन थी उस समय खेलने वाली फर्स्ट टाइम। इंडिया की रैंक थी उस समय 26 रैंक थी और कितने मेडल जीते थे, दो मेडल, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रांज मेडल जीती थी, इसमें सिल्वर मेडल नहीं जीत पाई थी। और देखिए इस बार जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हो रहा है, इस बार कुल 127 खिलाड़ी और 90 कोच तथा 8 अधिकारी भाग ले रहे हैं, जो स्टाफ हैं 8 में वो हैं। और देखिए इस बार सर्वाधिक महिलाएं कितना हैं, 55 महिला भाग ले रही हैं और 16 खेलों में, कितने खेलों में
16 खेलों में ये अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। 16 नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए तेजस्विनी सावंत, ऑप्शन बी मैरी हन्ना, ऑप्शन सी एंड्रियो होय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैरी हन्ना। ये सबसे ओल्डेस्ट यानी ओल्डेस्ट ओलंपियन है इस बार की टोक्यो ओलंपिक में। तो देखिए ये कहाँ की हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार हैं, ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार हैं। इनकी उम्र है 66 साल यानी 66 वर्ष की हैं ये, देखिए 66 वर्ष की हैं। और यह इस बार का इनका कौन सा नंबर का ओलंपिक है? यह छठवा ओलंपिक है, ओलंपिक देखिए ये या छः यानी कि तीन पोतियों की दादी हैं। तो फ्रेंड ये हैं सबसे अधिक उम्र की महिला खिलाड़ी दादी मैरी हन्ना। देखिए सबसे उम्र के इतना अधिक उम्र है कि इनके तीन पोते और तीन पोतियां हैं कि दादी होते हुए भी ये इस बार टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। इनकी उम्र 66 वर्ष की है। और देखिए और ऑप्शन देख लेते हैं, ये एंड्रियो होय, ये कहाँ के हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया के पुरुष खिलाड़ी हैं, ये पुरुष घुड़सवार हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनकी उम्र कितना है? इनकी उम्र 62 वर्ष है, 62 वर्ष है। और देखिए रिकॉर्ड, ये ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ये 8 बार खेल चुके हैं, 8 बार यानी कि ये 8वीं बार है इनका। ऑस्ट्रेलियन हॉर्स राइडर एंड्रियो होय 62 ईयर्स ओल्ड, ये पहली बार 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में खेले थे, लेकिन ये अभी तक ये भी कोई पदक नहीं जीत पाए हैं। इनकी पहले पदक की तलाश है इस बार। और देखिए तेजस्विनी सामंत, ये भारत की सबसे अधिक उम्र की ओलंपियन हैं, ये 40 साल की हैं और ये 50 मीटर फ्री स्टाइल थ्री पोजीशन की शूटर हैं यानी कि ये इस बार 50 मीटर फ्री स्टाइल में शूटिंग करेंगे। और देखिए ये 15 साल पहले यानी कि 2006 में राष्ट्रमंडल खेल में ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और उसके बाद से यानी कि 2006 के बाद से इन्होंने विश्व कप सहित कुल नौ पदक जीत चुकी हैं। उनमें से देखिए चार गोल्ड मेडल, तीन सिल्वर और दो ब्रांज, ये कुल 9 पदक जीती हैं। तो ये था सबसे उम्र दराज के मैरी हन्ना, जो कि एक दादी होते हुए भी इस बार घुड़सवारी कर रही हैं। और ये भी हैं, ये समझो दादाजी हैं, 62 वर्ष की उम्र के हैं। और देखिए फ्रेंड इस बार 5 नए खेलों को जोड़े गया है टोक्यो ओलंपिक में। पहला सर्फिंग और दूसरा है स्केटबोर्डिंग को, तीसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग को और चौथा है कराटे को और पांचवा है बेसबॉल को। तो इन 5 खेलों को इस बार नया जोड़ा गया है। और देखिए इस बार के फ्रेंड इसका शुभंकर क्या है? मस्कर जो कहते हैं मिराई टोवा है। क्या है? मिराई टोवा
मिराई टोवा है। और देखिए भारत में जो एक इसका लक्ष्य तेरा सामने ये गीत है, इसके वो कौन सिंगर कौन है, इसके हैं मोहित चौहान। मोहित चौहान। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।